सबसे पहले मैं अपने दोनों सहयोगियों से ये निवेदन करूंगा कि मेरी नैया पार काम बहुत ही कठिन है। कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं भूल चूक हो तो हमको देख के हमको माफ कर दीजिए। भूल तो होगी, आदमी है, मनुष्य से ही गलती होती है, फिर भी अपने भर कोशिश करेंगे। इसमें कुछ आवाज ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। Ah, 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 ah.
Yeah.
Ah.
Thank you.
झलकार झलकार पायले पायले या झलकार होले पायले पायले या झलकार होले पायले Yeah.
से थोड़े लाचार हैं, कुछ मन के लायक काम हो नहीं पा रहा है। आपने एक चीज गौर किया है, जैसे इनका गाना सुरीला है वैसे इनका बोलना भी बहुत सुरीला है। बोल रहे हैं तो वो भी स्वर से भींगा हुआ है। जब आप गा रहे हैं तो लग रहा है कि आप गाते ही रहे, और जब बोल रहे हैं तब भी ऐसा ही लग रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, हमारे बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं, सभी कवैया यहाँ बैठे हुए हैं। और आपके दिल में जो प्यार है संगीत के लिए, प्रेम है, ये आपके संगीत में रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या आपने पूजा की तरह संगीत को जरूर अपनाया होगा, तभी आप इतने भावपूर्ण गा पाए। सेवा में लगे हैं, बिल्कुल साफ पता चल। जब तक बाकी जिंदगी है संगीत की सेवा करते रहे। कलाकार होना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। लोग कहते हैं कि ये कलाकार हैं, लेकिन कलाकार होना बहुत मुश्किल बात है। सेवा करना मेरे बस की बात सिर्फ यही है कि हम सेवा करें। मिला कितना मिलेगा कितना ही मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग हमारे बुजुर्ग जितने गए, सब यही कहते चले हैं कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार फिर आएंगे तब करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो एंडलेस है, कहीं इसका अंत नहीं है। तब उसमें से हम लोग जो कुछ भी अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ भी हम लोगों को मिल जाए, बस इस जन्म की उपलब्धि वही है, और इसी की सेवा में लगे रहना हम लोगों का बस इतना ही काम है। उसी सेवा में लगे तो आवाज तो बहुत बस में नहीं है, फिर एक भजन और सुना देते हैं। जिस
किसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। किसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को
नजर क्या करे नहीं है मोह जो ज्ञान क्या Oh,
جس کو نہیں ہے وہ جس کو